Here are my beautiful Tanish models. Okay, ये ज्वेलरी पहन के फोटो शूट। चुप माही चुप है राजा, बोले कैसे बहना जा, बोले कैसे बहना जा, जा जा, बोले कैसे बहना जा, बोले कैसे बहना। शाम के 7 बज रहे और मेरा जिम का टाइम हो गया। आप सभी को तो पता, मैं रात को ही जिम को जाता हूँ, तो फटाक से चलते जिम को। और घर पे कोई भी नहीं है। मम्मी और चे गए फोटो शूट के लिए। तनिष्क जो एक गोल्ड का ब्रांड है, टाटा प्रोडक्ट है वो, तो उसके फोटो शूट को गए हैं। अभी तो पता नहीं, बुला रहे मुझे, आजा फोटो हमारे फोटो खींचने एंड ऑल। मैं बोला तुम ऑलरेडी फोटो शूट क्यों, मैं क्यों तुम्हारे फोटो खींचे। बट एनीवे चलते, पहले वहाँ चलते उनके फोटो वगैरह खींचते। आपको क्या है उनका फोटो शूट, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे दिख रहे हैं, वो सब मैं आपको चल के वहीं पे बताता हूँ। और फिर जाके थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं यार। बहुत मोटे हो चुके हैं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं यार। लाइफ एकदम से ऐसे, मतलब ये साल है ना, जो मैंने पिछले साल सोचा था, पिछले 1-2 साल से मैनिफेस्ट किया था, वो ये साल और अच्छी तरह से, मतलब मैंने अगर 10 सोचा था ना, मुझे 20 मिल रहा है। आप समझ सकते हो, मतलब जो चीज़ें सोची नहीं थी लाइफ में, वो चीज़ें हो रही है और आ रही है। मतलब मटेरियलिस्टिक बोलो या इमोशनली बोलो या मेंटली बोलो, मतलब मेंटली पीस हैप्पी है, कामनेस विदाउट मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन का, मैं पहले इतना बोलता था मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह सब छोड़ दिया है मैंने। और जब मैं लाइफ जीने लगा, तब मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया था मेडिटेशन में, वो उससे 1000 गुना सही हो रहा है यार। बहुत, मतलब ठीक है, चलो जो भी लाइफ है चेंज होती ही रहती है। तो इन्हीं में से फटाक से चलते हो, इनके फोटो शूट क्या चल रहा है आपको बताते, लेट्स गो। चल रहा है जैसा आप देख सकते हो, चीनी का बाकी है, बाकी ये लोग भी है, मानसिंह लोग क्या करे। ओके, ये ज्वेलरी पहन के फोटो शूट, उनका न्यू कलेक्शन लॉन्च हुआ है। ओके, ये इयर रिंग्स भी है। मम्मी ने क्या पहनी, मम्मी ने वो पूरा गोल्ड का पहना। ओके 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 ओके, नाइस बात है। तुम लोग तो मॉडल्स बन गए, तू और मम्मी। मम्मी का तो वहाँ फोटो शूट चल रहा है, आप देख सकते हो। मानसी का है, मानसी का हो गया, तो सही फोटो है एकदम। अरे वाह, मॉडल रुकी उनका ले लो। सही, तू ये क्या पहना था दीका? ओके, ये कलेक्शन है, कलेक्शन बाय इंस्पायर्ड बाय नेचर। ओके ओके, आंटी का दीका, आंटी ने निकाल दिया। ओके, इंस्पायर्ड बाय नेचर कैसे, यहाँ पे बटरफ्लाई, यहाँ पे बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल यार। क्लीवेज में थोड़ा और जूम। यार माय ब्यूटीफुल तनिष मॉडल्स, माँ बेटी का एक साथ ले रहे हैं, मदर्स डे को डालेंगे ये। फोटो निकालने में तो एक्सपर्ट है, आपको पता है कितने फोटो निकालते रहती हो। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की। बेस्ट फ्रेंड्स के फोटो शूट चल रहे हैं, देख सकते हो आप। तो ये है पूरा नया कलेक्शन तनिष का, आप तनिष विजिट करो। जाने कैसे तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। वेदर निकालने की भी रहती है, देने की भी, लेके जाते हैं इनके बच्चा। आई डोंट नो इज गुड, यू कैन लाइक, ऐसा लग रहा है मैं भाग जाऊं ऐसे। मॉक चेरी बोलना तुमको, फोटो दे तुम्हारे उनके पास। मैं भूल गई थी, मैं ये लेके निकल रही हूं। वांटेड में छपेंगे, वांटेड तुम दोनों ब्रांडिंग में। फोटो फ्रेम भी देने वाले, मतलब इनकी एक फ्रेम देने वाले एंड उसके बाद बाकी सब मेल करने वाले, तो उसी के लिए रुके चेरी और मानसी। ये हो गया तो मैं फटाक से निकलता हूँ जिम के लिए। फोटो सिलेक्ट करने कौन से फ़ोटोज़ अच्छे हैं, तो फोटो सिलेक्ट करेंगे तो उसकी एक फ्रेम बना के देंगे वो लोग जो बेस्ट है। फोटो शूट हो क्यों रहा है, मैं आपको रीज़न बता दूँ यहाँ के हमारे। आपका नाम सर? बाबा जी ने इसलिए, आई एम द स्टोर मैनेजर। ओके ओके, तो ये क्यों हो रहा है, ये नया लॉन्च है, मैं सुना सर एक कलेक्शन लॉन्च किया अभी रिसेंटली, हमने इंप्रेशन ऑफ कलेक्शन। दूसरा जो 100% ओल्ड गोल्ड का जो अभी ऑफर रहा है हम लोगों ने, 20 कैरेट का, जो भी अगर आप पुराना ओल्ड गोल्ड रहेगा तो उसको हम 100% एक्सचेंज वैल्यू देते हैं। ओके, इसका एक मतलब कस्टमर तक पहुँचना ज़रूरी है, उसके हिसाब से हमने हर एक चीज़ कस्टमर को पता। राइट राइट, ये काफ़ी नया बहुत नया इनिशिएटिव है, कुछ अलग है, मार्केटिंग बहुत मतलब सही चल रही है। और कलेक्शन भी देखा मैंने दिखाया भी इसके पहले, आपने देखा होगा ना, काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शन है। आपको आपके नियरेस्ट तनिष स्टोर विजिट करके आप वो ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। ये अच्छा है, सही है। मम्मी का कौन सा अच्छा है वो देख रहे हैं, ये हमको बेटर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है।
ये भी अच्छा, हाँ दिस इज बेटर, ये वाला एक। तो अभी चूज करते चेरी का कौन सा, ये भी अच्छा लग रहा है चेरी का तो। वाह क्या सही फोटोज है, ये भी अच्छा है, इसके तो सभी फोटो अच्छा आते। का भी फिक्स हो गया, मतलब ये वाला फोटो की फ्रेम करा रहे, काफी ब्यूटीफुल। ट्रीटमेंट होने के पहले ही देखो, ट्रीटमेंट होने तूतसी का आपने कल देखा होगा व्लॉग, वही फ्रेम रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। शो विद इन अ सेकंड, वो तो 30-40 सेकंड में फ्रेम रेडी हो गया, सही लग रहा है। वो ऐसे खड़ी है जैसे कि अवार्ड मिल रहा है उसको। तो मम्मी की भी फ्रेम रेडी है, मम्मी का भी थोड़ा सत्कार कर। हाँ राइट, तो फोटोशूट तो हो गया, अभी थोड़ा सा हम वर्कआउट करते। पेट देखो कैसा आ गया, मतलब ठीक है यार, यहाँ चार एब्स है बट नीचे का थोड़ा सा पेट आ गया, बट कोई ना वो कर लेंगे हम जल्द से जल्द। अभी फटाक से चलते हैं जिम, लेट्स गो। अब यहाँ पे नीचे कलेक्शन भी आके देख सकते हो उनका अवेलेबल, यहाँ पे कलेक्शन आ चुका है, बट आई विल गो घर पे, मैं नहीं देखूंगा, मम्मी देखेंगी, मम्मी बहुत चेहरी आके ही देखेंगी। इतना वियर्ड लग रहा था ना मैं जब ब्लॉग कर रहा था, अभी ये पूरे लॉबी में आके सब गोल्ड खरीदने वाले मुझे ही देख रहे, भाई ये क्या कर रहा है, ये ऐसी शूटिंग क्यों कर रहा है, बिकॉज कहीं कहीं वो इलीगल रहता है शूटिंग करना बिना पूछे, और मैं बिना पूछे किधर भी शूटिंग कर लेता हूँ। और मैं बाइक पे आया था क्योंकि कार पापा ले गए, पापा मीटिंग में कहीं पे, तो भी कॉल भी उठा रहे नहीं क्योंकि अभी चाबी मेरे पास है, मैं कैसे दूँ पापा को, ऑफिस जाना पड़ेगा, जिम भी स्टार्ट हो गया, बैच भी स्टार्ट हो गया, क्या है। संडे मॉर्निंग और पापा के ये मसाज सेशन चल रहे, मतलब कराते रहते हो महीने दो महीने में, तो बॉडी के मसल्स रिलैक्स होते हैं, मुझे भी कराना था बट मुझे ऐसे गुदगुली होती है, तो कोई टच भी कराना है भाई, इसीलिए मैं करा था, मैं हंसते ही बैठूंगा वो कराने लगे ना, लेकिन एक दिन कराऊंगा जब थोड़ी सी ऑडियंस बन ले, तो मेरा मसाज लाइव होगा, वो भी बहुत कॉमेडी होने वाला है, अलग ही लेवल पे। मैं पापा का थोड़ा मसाज करते नहीं करवाते, और वो कैसे करते क्या करते शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा, नहीं मैं देख। तो चेरी उसका मुंह नहीं दिखा रहा जब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, दूध से कि आपने देखा होगा व्लॉग, या इसके बाद देखूंगे शायद, बट अभी पापा का क्या चल रहा है, फुल मसाज चालू है, संडे मसाज मैं कराऊंगा, मेरे को तो बहुत गुदगुली होगी, मैं बैठूंगा। तो एनीवेज आज पापा के सब काम मुझे ही करने पड़ेंगे, फादर्स डे तो फादर्स डे की क्या गिफ्ट दे सकता था मैं, तो मैंने ये गिफ्ट दिया है, मसाज लो, आज रेस्ट करो एकदम, मसाज करके सो जाओ। तो अभी मैं जाता हूँ, क्या क्या लाने का, चिकन वगैरह ये जो भी वो सब सामान लेके आता हूँ, लेट्स गो। ऑलमोस्ट सब ग्रॉसरी तो ले ली मैंने, मतलब जो भी सब्जी वगैरह थी, बट अभी चेरी का कॉल आया कि उसको बूंदी रायता खाने, मतलब मेरे से बेस्ट बूंदी रायता शायद ही कोई बनाता होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, बट वो लेते अभी बूंदी रायता लेने के लिए मुझे लक्ष्मी नारायण जाना पड़ेगा, क्योंकि वाई की बूंदी अच्छी रहती है, मिल रही थी, बहुत शॉर्टेज है लेकिन पीछे पड़ी हुई थी। हाँ तिथ, और आप यहाँ देख सकते हो कितनी प्यारी विट्ठल जी और रुकमाई जी की मूर्ति है, ब्यूटीफुल। कितनी ज़्यादा, 45 बूंदी एक्वायर्ड, मतलब मैं पहले हल्दीराम की लेता था बट उसका बहुत शॉर्टेज चल रहा है पुणे में, पता नहीं वो वाली ज़्यादा सही रहती है, उसके अंदर मसाला भी आता है उसका, मतलब बूंदी रायता का, बूंदी रायता कैसे बनाते क्या मैं बता दूँ आपको, घर पे चल के पहले तो नहा लेते, यहाँ पे नहीं नहाते, घर पे जाके नहाते, देखते पापा का मसाज हुआ कर। फादर्स डे का मैंने मसाज तो करा लिया पापा को, तो आज पापा का दिन है पूरा ग्रूमिंग फादर्स डे पे, तो आज चेरी ने सोचा है कि कॉलिन, मैं कॉलिन लाया था पापा का मुंह साफ कर, मैं वो नहीं क्या फादर्स डे का खाने वाला फटके खाने वाला है, एक्चुअली क्या हुआ वो नहीं असल में मुंह पे मारते इससे, ये नहीं वो पानी से, मैं ये ले गया और मारने लगा पाव, वो पाव मम्मी बोली पागल हो गया क्या, अरे ये काय को लाए माथे बिट्टे आज चिड़ी क्या कर रही मालूम नहीं, अभी आंखें बंद कर दी, दाढ़ी क्यों कर रही है, यहाँ करने का जहाँ ओपन स्पेस है मेरी, काय ओपन स्पेस। सो अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि मैं रायता दिखाऊंगा, बट खाने में इतना मशरूफ हो गया मैं कि मैं वो दिखा ही नहीं पाया, अभी इनका वेट कर रहा हूँ, हम सोच रहे कहीं तो जाए, बारिश वाला मौसम हो चुका है बट थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा तो वो फायदा नहीं, तो मैंने कहा फिनिक्स चलते, वो मूवी तो देखने का बिल्कुल मन नहीं, आदि पुरुष आपने तो वो सुना है ना, कैसे कैसे डायलॉग आ रही है, ऐसा कैसे मीन्स, अगर आप
बना रहे हो हमारे इतिहास पे मूवी, हमारे माइथोलॉजी पे मूवी, तो यार थोड़ा सा ठीक है चेंजेस करना वीएफएक्स में नए जनरेशन के हिसाब से, सब कुछ अच्छा उनको अट्रैक्ट करने के लिए अलग करना ठीक है, बट कुछ भी यार टैटू वाले मतलब बोले तो गुंडे लोग जैसे बताए हैं, जैसे कि ऑफिस में से आ रहे हो, रावण की जो सेना है ऐसे लग रहा है कि ऑफिस पहुंच जाएंगे अभी, और हनुमान जी का तो क्या आया क्या ही बताऊं, उनकी लैंग्वेज ऐसी है ही नहीं, वो भले ही मतलब जो वॉर वगैरह फाइट वगैरह के करते हैं बट वो ऐसे उनकी उनके वाणी में विनम्रता है, तो उन्होंने कुछ भी डायलॉग दिया, तेल तेरे बाप का, ये तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेंगे भी तेरे बाप की, सो ये ऐसा किधर रहता गया यार, ऐसा बहुत बुरा लगा मुझे वो चीज देख के, तो मैंने डिसाइड किया आई विल बॉयकॉट दिस मूवी, आई वोंट वॉच, उससे अच्छा मैं रामानंद सागर का वो रामानंद सागर का ही था ना पहले पापा रामायण, तो रामानंद सागर जी का रामायण फिर से देखो, या तो वो एक एनिमेटेड मूवी आई थी हनुमान जी की, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है, वो देख लो आप जाके आदि पुरुष देखने से अच्छा। तो फिलहाल तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, एनी कुछ थॉट्स अभी चल रहे हैं अपन अभी मॉल में, तो हमने फिर मैंने बताया जैसे कि फिनिक्स मॉल चलते हैं, वहाँ मूवी देख सकते हैं, बट देखने का मन नहीं है मुझे बिल्कुल भी, मेरे एक्चुअली 3 लोगों के साथ प्लान थे, जिम वाले फ्रेंड्स के साथ प्लान था, मम्मी पापा के साथ अलग प्लान था, और कजिन के साथ देखनी थी मूवी, बट ये रिव्यू देख के फर्स्ट डे पे ही भाई मैंने 3 प्लान कैंसिल किए, भाई कुछ भी मूवी तो नहीं देखने वाला मैं, तो भी इन दोनों को जैसे एज यूजुअल मम्मी और चेरी को टाइम लगता है, लेडीज लोगों को तो आ गए वो फिलहाल, तो फिलहाल फटाक से चलते हैं, लेट्स गो। साथ निभाए जो तू जन्मों का तो ये। कमाल का सनसेट हो रहा है और ये क्लाउड्स भी क्या डायनामिक लग रहे हैं, हम जस्ट पहुंचने वाले फिनिक्स, अभी आईबीज आ गया है, ये कौन सा टीएमओ के पास आ चुके हैं, तो फटाक से पहुंचते हैं फिनिक्स, मतलब ऑलमोस्ट सामने ये फिनिक्स के, बट हमने हमारी ये जो वाली क्रिस्टल होंडा से ली थी, आपको पता है ये होंडा की, और हम कितने बड़े फैन बॉय होंडा के, मतलब बीएम मर्सिडीज एक साइड, बीएम मर्सिडीज एक साइड और होंडा एक साइड, तो अभी होंडा में आए हैं कुछ होंडा की, नहीं नहीं वो अभी बता नहीं सकते, लेट्स सी क्या है, देखते हैं पहले व्हाट आर दी, चढ़ गया हूँ, चीरी ने वहां पे डोर लगा दिए, पापा मम्मी मम्मी मैं तो गई लेकिन एक सेकंड नहीं हो गई, कैसे गए डोर के पीछे, वो देख रही अभी उसकी मम्मी आई, सच्ची में मम्मी आई, चाली क्या कर।